नमस्कार, समदिया डॉट कॉम देख रहा छी अपने। आई शनि दिन और शनि दिन का समदिया डॉट कॉम एक विशेष प्रस्तुति समदिया पर चर्चा के संग उपस्थित छी हम अक्षय संग। जना कि हमरा सब पिछला दू शनि सँ लगातार समदिया पर चर्चा पर विभिन्न रास मुद्दा विभिन्न रास विषय के संग किछु चर्चा पर चर्चा करबाक प्रयास कयलहुँ हैं। जाहिमे पहिल दिन हमसब सौराठ पर केन्द्रित रही, दोसर दिन हमसब मैथिली गीत संगीत पर केन्द्रित रही। आई एकटा नव विषय नव मुद्दाक संग अपने लोगन के बीच उपस्थित छी। आजुक जे विषय है हमरा सबके ओ मिथिला राज्य है। कहबाक लेल तऽ मिथिला राज्य स्वतंत्र मिथिला राज्यक अस्तित्व विष्णु पुराण रामायण में भेटैत अछि, मुदा जखन मिथिला राज आंदोलन के बात करब तऽ हमसब देखै छी जे मिथिला जॉर्ज ग्रियर्सन भारतीय भाषा सर्वेक्षण जे भेलै तकरा बाद 1902 में भाषाक आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन एकटा मिथिलाक मानचित्र एकटा मिथिलाक नक्शा बनेलनि। ओतऽसँ हमसब एकरा एकटा अलग राज्य के रूप में आंदोलन के जड़ि मानि सकै छी। तकरा बाद राज्य गठन के नाम पर लगातार आंदोलन होइत रहल। मिथिला केसरी जानकी नंदन सिंह 1954 में मिथिला राज्य के लेल जेल जाय वाला समर्थक पहिल व्यक्ति छथि जिनका कलकत्ता में गिरफ्तार कयल गेलनि मिथिला राज्य के। तैके बाद लगातार मिथिला राज्य के लऽ कऽ आंदोलन छिटफुट आंदोलन कहली होइत रहलै, मुदा कि हमरा लोकनि मिथिला राज्य आंदोलन के जन आंदोलन बना सकलहुँ, कि मिथिला राज्य आंदोलन के नाम पर एखनो धरि हमसब खखरिए टा कुटि रहल छी। असल मुद्दा असल गपशप करबाक जे मुद्दा अइ विषय आजुक से इएह अछि कि मिथिला राज के नाम पर हमसब एखन धरि खखरिए टा कुटि रहल छी। आइ हमरा सबके संग एहि विषय पर गपशप करबाक लेल तीन गो प्रमुख व्यक्तित्व छथि। पहिल व्यक्तित्व छथि मिथिला राज निर्माण सेनाक राष्ट्रीय महासचिव राजेश झाजी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक सदस्य तथा सह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप मैथिल और संगहि जन मिथिलांचल मोर्चाक राष्ट्रीय महासचिव बीरबल यादव जी। तीनों गोटे के हम सब स्वागत करै छियन। नमस्कार। अनूप भाई अहूँ का बहुत बहुत स्वागत। जय मिथिला भाई, 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 जय मिथिला भाई। सब गोटा के बहुत बहुत आभार जे समदिया डॉट कॉम पर अपन बहुत महत्वपूर्ण समय दिलिए। हम सब चर्चा पर चर्चा के आगा बढ़ाबी, ओहिसँ पहिने हम कहि दी जे समदिया डॉट कॉमक जे कार्यक्रम छै परिचर्चा समदिया परिचर्चा, ताहिमे हमर सबके ई उद्देश्य कतौ नहि रहैए जे किनको बजा कऽ या किनको आमंत्रित कऽ कऽ हमसब हुनका ट्रोल करी। पिछला कार्यक्रम में चूंकि एक तरह के एक बात उठ के आयल रहे जे फलना के बजा के अहाँ सब ट्रोल कर दिलिए, तो हमर सबके ई उद्देश्य नहीं रहे है। हाँ, हमर सबके जे पैनलिस्ट छथि, जे हमर सबके अतिथि छथि, जे हमर सबके पाहुन छथि, ओ सवालक जवाब कोन तरह दै छथि ई हुनका पर निर्भर करै छथि। हमरा सबके कोनो दबाव नहीं रहे है जे अहाँ सवाल के एना जवाब दिए या ओना जवाब दिए। आइयो जे हमर सबके पैनलिस्ट छथि हुनकर जे विचार हेतनि, हुनकर जे सवाल पर जवाब हेतनि से हुनकर अपन स्वतंत्र विचार हेतनि। तो हम सब ई चर्चा पर चर्चा के शुरुआत करी और सबसे पहले हम चलब राजेश झाजी लग, और राजेश झाजी से हम ई जानना चाहब जे मिथिला राज्य आंदोलन के बतारी आंदोलन सब जे बहुत रास राज्य आंदोलन सब रहे ते में बहुते रास राज्य एहन छे जकर राज्य के गठन भ गेलै, मिथिला राज्य एखनो सपना अछि, त कि मिथिला राज्य आंदोलन जे से सही में खखरी कुटबै? राजेश भैया देखियो, अहाँ के जे प्रश्न है मिथिला राज्य आंदोलन के जखन से चर्चा चल रहा है उस समय और बहुत सारा राज्य के जो चर्चा हो चले वो राज्य आज अस्तित्व में है। लेकिन अहाँ मिथिला राज्य के देखू तो मिथिला राज्य के एखन तक सांवैधानिक रूप से कोनो तरहक मान्यता अपना देश में नहीं भेटल है।
लेकिन तकर कई सारा कारण छे, एकरा खखड़ी कुटब कहनाय उचित नहीं हेतै, किएक तऽ खखड़ी तऽ कुटै के मतलब ई होय छै जैसे कोनो भी आउटकम बाहर निकल के नहीं आबे। लेकिन हम अहाँ के यह आंदोलन के आई बात कहत हमरा कतबो को भ्रांति नहीं है, नहीं शंका संदेह है, जे आई मिथिला राज्य आंदोलन के निश्चित रूप से शुरुआत तो बहुत पहिने के छे, और अही अखने जहन स्क्रिप्ट रखे छलौं है एक सूत्रधार के तौर पर अहाँ कहलिए जे कोनो जमाना रहे, कोन पुराण रहे, जे में मिथिला एक राज्य रहे, तो मिथिला उस समय में राज्य नहीं रहे, मिथिला उस समय में देश रहे। एक जमाना छले जहन मिथिला एक संप्रभुता संपन्न देश होइ छले, लेकिन वो प्राचीन काल के स्थिति छे। और आई के समय में जे आई अहाँ जते भी स्टेट देख रहल छिए भारतीय रिपब्लिक में, इंडियन रिपब्लिक में, भारतीय गणराज्य में, वो सारा के सारा आफ्टर 1947 1947 में जे देश आजाद भेला तकर बाद के परिमाण एकरा अहाँ मानि सकै छी परिणाम। और राज्य के जे समय में गठन भेले देश के स्वतंत्रता के समय में ओहि काल में स्वतंत्रता पूर्व से जेना सेंट्रल प्रोविंस रहे तो मध्य प्रदेश बना दल के, नहीं है जना संयुक्त प्रांत रहे तो यूपी वाला पार्ट बन गेल, या बंगाल से विभक्त भसे पहले बन चुकल छला बिहार उड़ीसा और बंगाल, तीनों तीन टा स्टेट। लेकिन 47 के बाद अगर अहाँ मिथिला राज्य आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अगर देख चाहे छे जे आन दोसर कोनो राज्य बन गेल से तो एखन तक मात्र चारिटा भेल, एक झारखंड भेल, एक छत्तीसगढ़ भेल, एक उत्तराखंड भेल और एक अखन तेलंगाना बनल है। हुई की छे जे कोनो भी राज्य के जे आधार छे अखन तक भारतीय गणराज्य में राज्य के जे आधार बनबाक परिपाटी छे वो यह छे या तो ओकर स्वतंत्र भाषा के आधार पर बनाबे, जकर शुरुआत 20 श्रीरामुलु छला है जे आंध्र प्रदेश के जिनका बाद निर्माण भेल छले या अपना देह में आग लगा कर वो आंदोलन के बढ़वे के लिए मर गला, तकर बाद केंद्र सरकार डर के आंध्र प्रदेश और राज्य आयोग बनाकर आंध्र प्रदेश के स्थापना कलक, तकर बाद सतत संघर्ष होते रहले, तीन टा स्टेट बनले जकर बात हम कहलौं है। और तेलंगाना तो एक तरह से जे कहे छे जे एक्यूट पॉलिटिकल रिजल्टेंट छे, ओकर पॉलिटिकल एक सॉल्यूशन ओहि जगह के नहीं बुझा पैले दोसर कोनो और पॉलिटिकल पार्टी के, तो ओ तेलंगाना राज्य बनेला। अइ परिप्रेक्ष्य में आब अहाँ के सवाल के अगर हम देखी तो खखड़ी कुटब अ चलते नहीं है, किएक तऽ हमरा सब जहिया से बुझि रहल छिए मिथिला राज्य आंदोलन ओ अ वर्ष 2013-14, हम सब ओहि से पहिने मिथिला राज्य आंदोलन के कोनो बात नहीं बुझैत रहिए, और अइ से पहिने के लोग एमे सम्मिलित छला है किन किनको जनितो नहीं छलौ है, चूंकि अध्ययन कनिक नीक लगैया पढ़नाई लिखनाय, तो ओहि क्रम में डॉक्टर लक्ष्मण झा के नाम हम सब सुनने छी, हुनका पढ़ने छी, तो हम सब बुझैत रहिए जे डॉक्टर लक्ष्मण झा छला है जे मिथिला राज्य आंदोलन के पक्षधर छलखिन। लेकिन कहियो रूट पर ग्राउंड में नीचा जे कहै छै धान पहिने उपजतै तहन देखल जेतै जे ओहिमे बागर से खखरी जन्म लेलकै आ कि ओरिजिनल शीश छलै है जैसे अन्न बाहर निकललै, तऽ हमरा तऽ ओहिसँ पहिने 13-14 से पहिने तऽ हम देखिए खेत खेते नहीं छै, पहिने तऽ खेत तैयार हेतै, खेत तैयार हेतै ओकरा ओहिमे बाउग हेतै, पानि पटायल जेतै तहन नीक उपज हेतै, तऽ हम तऽ 13-14 से बुझि रहल छी जे एक तरह से खेत के तैयारी भऽ रहल है। तो अगर 2000 हमरा हिसाब से 2013-14 से अगर खेत के तैयारी के शुरुआत हम अपन बात कहै छी, हमरा जे अपन देखल है ओकरा अगर अहाँ मानी, तो आइ के समय में अहाँ ई नहीं कह सकै छी खखड़ी कुटब किएक, तो अहाँ सोशल मीडिया पर अगर मैथिली के विकास के अगर अहाँ देख रहल छिए तो कतौ ने कतौ मिथिला प्राइड से जुड़ल छै, तैं ओ मैथिली के एते अहाँ समग्र विकास देख रहल छी, किएक तऽ 2013-14 से हम अहाँ एक दोसर के जनै छी, अनूप एतऽ सेहो छथि, अनूपो हम सब एक दोसर के जानि रहल छी, हमरा लगैया अहाँ सब हमरा बात से सहमत है जे 2013-14 के समय में मैथिली भाषा के तौर पर एकटा प्राइड के फीलिंग नै ओते बेसी छलैया, और चाहे पॉलिटिकल पार्टियों सबके जे कैंपेन सब होइ छै ओहिमे अहाँ मैथिली या मिथिला शब्द के उपयोग ओते बेसी नै देखैत हेबै। हम ये मानै छी जे मिथिला राज्य आंदोलन के ई गति छै, मिथिला राज्य आंदोलन के सामर्थ्य छै जे आइ 7-8 साल के बाद आइ कम्प्लीट जे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के जे अहाँ वर्ड यूज केलहुँ हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के जे क्षेत्र छलै ने ओते बड़का क्षेत्र में तो नहि, लेकिन सीतामढ़ी शिवहर से शुरू कऽ कऽ और पूर्णिया कटिहार तक के जे एकटा मुख्य रूप से जे बेल्ट अ ओहि बेल्ट में मिथिला के लऽ कऽ एकटा प्राइड के फीलिंग अलै है, तो ई प्राइड के फीलिंग अगर आइ आबि चुकल छै तो निश्चित रूप से ई प्राइड के फीलिंग अपन फाइनल गोल सेहो अचीव करतै। कारण अगर अहाँ बाद में पूछब जे ई किया एना
ओते बेसी पेस नहीं हासिल कऽ पेलैए, तकर कारण ई छै जे कनेक्ट नहि भऽ पाबै छै ग्राउंड सँ। और एकर मुख्य रूप से जे कारण यह है जे हमरा और अहाँ जते भी स्टेट के अहाँ देख लियो ओकर एकटा इंडिपेंडेंट जे एजुकेशन छै ओहि एजुकेशन सिस्टम के संग संग ओकर अपन लोकल लैंग्वेज के सेहो बहुत बेसी एनरिच्ड वैल्यू छै ओकर ओहि सिस्टम में, ओकर ओहि आंदोलन में, ओहि रिवोल्यूशन में। और ओहिमे जे आंदोलन में लागल लोक छथि ओ कोनो एहन लोक नहीं छलखिन हैं, हुनका सब हम दोसर राज्य आंदोलन के बात कह रहल छी, जे आंदोलन से एनर्जी लऽ कऽ अपन विकास करथि। लेकिन हम जहिया से एहि आंदोलन के देख रहल छी मिथिला राज्य आंदोलन, मुख्य रूप से एकर गति से हम संतुष्ट कह सकै छी मोर और लेस, लेकिन अगर अहाँ ओकर ओते बेसी गति नहीं देख रहल छी तकर मुख्य कारण ई है जकरा अहाँ खखरी कुटब कह रहल छी जे एहिमे बेसी खखरिये चलि अबै छै, यह चलते आंदोलन के स्थिति खखरी वाला छै। हेबाक ई चाहिए हमरा प्रथम दिन से जहिया समय आंदोलन में सम्मिलित भेलहुँ तहिया से लऽ कऽ और आई तक हम आई डू बिलीव हम अपन अपना ओपिनियन पर हम स्पष्ट छी जे कोनो भी आंदोलन अपने मजबूती प्राप्त कर सकैया जहन आंदोलन में लागल लोक स्वयं मजबूत हुए हर तरह अर्थ एकटा बहुत बड़का चीज छै, खासकर आर्थिक रूप से मजबूत होने ही सब कुछ हेतै। और एहिमे बेसी लोक आबि कऽ आंदोलन सँ नीक गति लऽ लै छथि, आंदोलन सँ एनर्जी लऽ लै छथि। बात हमर खखरी कुटब जे बात छलै ओकरा हम ओतै लऽ जाय चाहैत रही जे मिथिला राज आंदोलन जे छै से जन आंदोलन नहि बनि सकलै। हमर कहक मतलब ई जे हमसब अब एहिठमन हमसब 40 मिनट 45 मिनट एक घंटा के डिबेट में एक घंटा के चर्चा परिचर्चा में बैसल छी और हमरा लगे जे जो मिथिला राज से संबंधित संस्था सबक नाम लेबा लागी तो 40-45 मिनट वही में चल जाए, लेकिन जतेक संस्था छथि ओहि हिसाब से एकरा हमसब जन आंदोलन नहीं बना सकलिए। जन आंदोलन किया नहीं बना सकलिए से हम जाना चाहब अनूप जी से। अनूप जी हमसब मिथिला राज आंदोलन के जन आंदोलन किया नहीं बना सकलिए? आवाज अनम्यूट करो अनु भाई उमहर सा। हाँ राजेश देखियो राजेश आवाज मनाए रहल है आबि रहल है। राजेश भैया बहुत सारा बात क्लियर कर देले था बिल्कुल। और हम हमरा ई लगे है कि जे यहां करले जन आंदोलन के आने बन पेले है तो एकर मुख्य कारण जे छै मिथिला आंदोलन जे छै 2013-14 में शुरू भेलै बात सही कहले मिथिला राज ले बहुत प्रयास भेलै पूर्व में अलग बात छै, लेकिन ओ बृहत स्तर पर यूथ के साथ लऽ कऽ और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल कऽ कऽ हम सब 2013-14 में मिथिला राज के आंदोलन के लिए और जखन हम सब ई आंदोलन के लिए तो लोगो सब खूब जुड़लखिन ओहो में कोनो दोराई नहीं छै, लोग सब बड़ी संख्या में जुड़लखिन, लेकिन समस्या जन आंदोलन एला नहीं बदल भऽ पेलै। राजेश भैया एगो बड़ा निक बात कहलै, इएह बात हम कहऽ वाला छलहुँ हैं कि कोनो भी अहाँ राज्य आंदोलन के इतिहास उठा कर देखियो, तेलंगाना के देखियो, झारखंड के देखियो, या अहाँ देश के आंदोलन के देख लियो, अगर देश के स्वाधीनता आंदोलन के लियो तो वह देख लियो, तो बहुत सामर्थ्यवान लोग सब आंदोलन के पीछा रहते हैं। आजादी में अगर हम देखे कि महात्मा गांधी के छलखिन है, अहाँ के फकीर छलखिन है, तो हुनकर पीछा नेहरू जी जेहन एगो उद्योगपति सेहो छलखिन है कि फंड के अहाँ के दिक्कत नहीं होवा दी छलखिन है, नेहरुए जी एहन नहीं बहुत ही एहन पाई वाला लोग सब छलखिन। तो मिथिला आंदोलन में समस्या की भ गेलै कि हम सब जतेक लोग लगल है सब गोटा मान लिया बहुत लोग एहन छलखिन समर्थवान छलखिन है, लेकिन ये आंदोलन के जे सामर्थ्यवान लोग के जरूरत छै ओ आंदोलन के कहियो नहीं मिल पेलखिन, जे लीडर के सामर्थ्यवान लीडर के जरूरत छै ओ आंदोलन के कहियो नहीं मिल पेलै। ई आंदोलन में वह नेता जुड़लखिन जिनका कतौ ने कतौ आइडेंटिटी क्राइसिस छलैया, फैक्ट बता रहा छी, कोनो दल के अगर लोग जुड़े छथिन आंदोलन से तो हुनका आइडेंटिटी क्राइसिस रहै छै, ओ आंदोलन में जुड़ जाय छथिन, 10 गो 20 गो लोग पहचान ले लेथ, हुनकर अहाँ के आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म भ जाय छै, ओकर बाद ओ आंदोलन के छोड़ दै छथिन। तो ई समस्या आंदोलन के साथ रहलै है, एहन नेता कहियो नहीं जुड़लखिन ई आंदोलन के, अपन कमान नहीं लेलखिन हाथ में, जिनका आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं छै, जिनका लोग हजार गो लोग चिन्है छै। अनूप जी आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस कह रहल छै जे आइडेंटिटी क्राइसिस रहै छै तो लोग मिथिला आंदोलन से जुड़ जाय छै, अपन पहचान बनि जाय छै, आंदोलन से हट जाय छै। केहन पहचान, कतेक बड़का पहचान, मिथिला आंदोलन से केहन नेता बनि गेला एतेक बड़का जिनका विश्वव्यापी या राष्ट्रव्यापी या राज्यव्यापी पहचान भेटलै?
अब हम वहाँ के यहाँ बात कर रहे कि हर हर आदमी के अपन अपन गोल हो और बहुत लोग अहाँ के जे छै से आंदोलन से एहि लए जुड़े छै सिर्फ कि हुनका बहुत बड़का व्यापक पहचान बनाबे के नहीं रहे छै और ई आंदोलन के एगो दायरा सेहो भ जाय छै जखन अहाँ किछु करबै नहि खाली अपन नाम चमकाबे वाला आंदोलन से जुड़बै तो अहाँ के 1,000, 10,000, 1,00,000 तक अहाँ के पहचान भ सके अहाँ के लोग नाम से जान जाय ओकरा अहाँ कतबो बाप बाप करबै अहाँ के ओहिसे ज्यादा लोग नहीं जान सके ये तो ओ उद्देश्य जखन हुनका पूरा भ जाय हुनकर गोले एतबै रहे छै ओ एतबे गोल से जुड़े छथिन कि हमारा 10 गो लोग पहचान ला 10 गो लोग जखन पहचान लै छथिन तो बुझे छथिन कि आप ये आंदोलन से हमारा कोनो खास फायदा होवे वाला नहीं है और मूव कर जाए छथिन एगो बड़का लीडर और बड़का पाई वाला जे सामर्थ्यवान जब तक लोग नहीं जुड़थिन आंदोलन से ई मूवमेंट देखियो कोनो भी आंदोलन में धन के बहुत बड़का आवश्यकता छे अहाँ मान ली अहाँ विचार से बहुत रास कार्यकर्ता के जोड़ देबे बहुत निक निक बात कहबे लेकिन जे आदमी अहाँ के साथ काज करे चाहे छे हुनका कम से कम अहाँ के आवा जाए के किराया देबे पड़त हुनकर जे आवश्यक किछ खर्चा वर्चा छे अहाँ के आंदोलन ले आयोजन करबे ओकर खर्चा के अहाँ के कम से कम माइक के खर्चा देबे पड़त तो बहुत धन के आवश्यकता होइ छे जेकर नितांत एकर जे छै से कमी छै आंदोलन में अहाँ और जे के कारण ई आंदोलन कहियो आगा नहीं बढ़ पेलैय और जे आदमी आगा बढ़तो छथिन बाद में हुनका मान लिया युवा अवस्था में मान लिया हम ही सब छलिए तो हम सब आगा एवो के लिए लेकिन एगो स्टेज अल जहाँ पर देखा लगलिए कि आप जैसे से कहीं अपनों ऊपर ध्यान देवे पड़ते नहीं ध्यान देवे भाई रोजी रोटी पर नहीं ध्यान देवे तो समस्या भ जेते ना रोजी रोटी पर नहीं ध्यान देवे तो केवल ठगबे सीधे की बात है दलाली करबे तो नहीं करतो और जखन एहन लोग अहाँ के आंदोलन से हट जाए छथिन तो आंदोलन कमजोर भ जाए छै अखन तक आंदोलन के एगो मजबूत नेता मजबूत लोग नहीं मिल रही है जहिया वो मिल जेते तहिया ये आंदोलन आके एकदम एकदम फलीफूत भ जेते देश तैयार छै सब कुछ तैयार छै लेकिन बस एगो मजबूत नेतृत्व के आवश्यकता छै अहाँ से एकटा और जे सबके समाहित कर सके अनूप जी अहाँ से एकटा और एकदम छोट सन सवाल के छोट सन जवाब चाहब और तक बाद हम सब चर्चा पर चर्चा में बीरबल यादव के इंट्रोड्यूस करब बीरबल जी के इंट्रोड्यूस करब अनु एमएसयू के एजेंडा में मिथिला राज छे एकदम छोट सन जवाब देखियो एमएसयू अखन मिथिला के विकास पर बात कर रहल छे लेकिन एमएसयू मिथिला राज के कहियो विरोध नहीं केलकै या और एमएसयू के मिथिला राज आंदोलन मिथिला राज सहानुभूति छै और हमेशा एमएसयू के एजेंडा में रहले है एजेंडा में छै मिथिला राज्य लेकिन लेकिन वो ग्राउंड नहीं बन पेले है जे एमएसयू के इन्वॉल्व करके मिथिला राज्य कैल जा सके अइपर ई फिर से हम अहाँ के बात लेब कारण हम अहाँ के बात से पूर्णतः सहमत नहीं छी एखन हम बीरबल जी के आमंत्रित करै छियनि देखब फिर से अनूप पर चलब ई एमएसयू और मिथिला राज के जोड़ के जे बहुत रास बात मन में हमरा कुरबुरा रहल है ओ पूछबाक लेल अनूप छै थे राजेश भैया छै थे एखन बीरबल जी के हम आमंत्रित करै छियै बीरबल जी जन मिथिलांचल मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव छथि और बीरबल जी से हम ई जानना चाहब जे की कहै छै ओकरा जे 1953 में संभवतः 1953 में भाषाक आधार पर पहिल राज्य बनले आंध्र प्रदेश तकरा बाद गुजरात पंजाब हरियाणा फिर कनिक दिन के बाद आबिके की होइ छै जे पहिल राज्य बनल छलै आंध्र प्रदेश भाषाक आधार पर से टूटै छै तेलंगाना बनै छै तऽ की आइ के समय में बीरबल जी के लगै छै जे भाषाक आधार पर मिथिला राज्य या फिर कोनो राज्य बनि सकैए आवाज म्यूट करू आवाज के उम्र से अनम्यूट करियो हाँ। सबसे पहले अपने के राजेश भाई जी के अनु भाई जी के प्रणाम जय मिथिला जय भैंसिया और जतेक दर्शक छ जुड़ल हुनका सबके प्रणाम अपने जे बात रखलिए भाषा के आधार पर मिथिला राज्य बनबाक चाही कि नहीं अपने के जे कहब के आधार यह अतेक प्रश्न ये बिल्कुल हेबाक चाही हम एहि बात के पक्ष में छी जे जतेक भाषा छै भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में ओहि भाषा के आधार पर राज्य बनबाक चाही जहिना तेलंगाना बनलै असम बन गेलै बंगाल बन गेलै बहुत पहिने छलै बंग में हॉल पर एनौ ओहि सब भाषा के आधार पर कहल जाए तऽ उड़ीसो बनल छै लेकिन तेलंगाना के टूट एकटा ई देखबै छै जे जतेक जल्दी होइ ओतेक जल्दी मिथिला राज्य बनलै
लेकिन अपने के प्रश्न सब खखरी कुटम वाला बात पर राजेश भाई जी और अनु भाई जी बहुत क्लियर कर दिलन है खखरी कुटम में अपना से खखरी किया बन जाए छे आंदोलन तकर एक हम जो बुझे छे जे एक खजूर और ताल के पेड़ में और ताल के पेड़ पर से ओते ऊंचाई से कोनो चीज के फेंकबे त टुकड़ा टुकड़ा जैसे बहुत दूर जाकर छिया छे मोट नजदीक में रहे तहिना मिथिला के जे आंदोलन छे ओ जमीन समेत पनकर राजधानी से पनप छे और जतेक संगठन से ओने बेसी से बेसी राजधानी में आके बह जाय छथि देखा देखी में राजनीतिक दल के आधार पर जो वही पार्टी के मुखिया दिल्ली में बैसे छे पटना में बैसे छे हम वो आवे के हेड भगनो छी भगनो हम अत्ते से बैसे रिमोट कंट्रोल कर पा छे जे कि मिथिला राज आंदोलन के ई डिमांड नहीं छे मिथिला राज आंदोलन के डिमांड जे छे से नीचा से ऊपर हेबाक चाहिए घर घर में जाकर नई पहचान बन गए जो मिथिला राज की छे हमरा याद है 2013-14 के बात करे छे 2012 में मार्च में कॉमरेड रामचंद्र यादव जी जहां पार्टी से भोगेंद्र बाबू के निर्देश पर पार्टी अलग चल थी बीसी से विधायक रहा सर 1995 में 2000 में तो पार्टी बन गई साम्यवादी क्रांतिकारी पार्टी जो अखनो से नाम के लिए लेकिन दुर्भाग्य जहना वो मार्च में दिल्ली में बिहार से दूटा फौजी फ्री कॉक और मिथिला राज आंदोलन के नाम पर कामता प्रसाद बंगाल में सेहो राज्य आंदोलन से कहा से भाषा का भाव था जो कामता प्रसाद और आज बनवा चाहे वही ढंग से दोनों तरफ मिलकर जंतर मंतर 5 मार्च का धरना उनके जो कमजोर रहते लगे जे हिनकर आवाज में किछ समस्या सेहो छलन है और नेटवर्क सेहो लगे जे इशू फिर से हुनका हम जोड़बाक प्रयास करब बिरबल जी के हम राजेश भैया लग चलब राजेश झा जी मिथिला राज निर्माण सेना और ये जो 2013-14 के बात कर रहा छथिन जे समय मिथिला राज निर्माण सेना के ओ समय भेल करे और किछ हद तक हमहू इससे जुड़ल रही हम राजेश भैया से सीधा ही जाना चाहब जे मिथिला राज निर्माण सेना ओहि टाइम में गतिविधि में एलै रथ यात्रा कलके आ बहुत रास गतिविधि के संग लोक संगे जुड़वाक प्रयास कलके जन आंदोलन बनेबाक प्रयास कलके फिर मिथिला राज निर्माण सेना सुति गेले फिर देख रहल छी जे अहाँ सब लुसफुसा रहल छी तऽ अहाँ के ई नहि लगे जे सुतनाय आ लुसफुसेनाय सेहो पब्लिक के बीच में गलत मैसेज दै छै और एहिसँ मिथिला राज के जे आंदोलन के प्रति लोक के विश्वास छै से कमै छै राजेश भैया नहीं हमरा तो नहीं बुझाई है और पहिने ई गप जे अहाँ बजलहुँ जे अहूँ हद तक संबद्ध रही से खाली हदे तक नहीं रही एखन स्क्रीन पर 3 आदमी अपना सब देखा रहल छी एक दिस अनूप देखाई छथि एक दिस अहाँ देखा रहल छी और हमरा तो याद है जे अगर अहाँ हद तक कहै छी जे कनिये मनी संबद्ध रही तहन तो हमहूँ सब कनिये मनी रही और अनूप कनिये मनी छलै तऽ हमरा लगैए जे पूरा नीक जकाँ संबद्ध रही और ओहि समय निश्चित रूप से मिथिला राज निर्माण सेना के जो वो समय छलैया शुरुआती जो 2-3 साल छलैया वो बड़ा लोक में एकटा जरूर भावना छलै जे MRNS और मिथिला राज निर्माण सेना जे मिरानी से लगैया एक मुकाम तक ई चीज के पहुंचा सकैया और ओकर बाद क्रमबद्ध तरीका से एना लगलै जेना धीरे 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 मिथिला राज निर्माण सेना शांत भ गेलै कारण कई सारा छे और अगर यहाँ कहब जे बीच बीच एखन एकदम लुसफुस हम सब फिर से लुसफुसा रहल छी तो हम सब लुसफुसा नहीं रहल छी प्रॉब्लम की छे अनूप बड़ा सहज ढंग से अहाँ के एक टा बात कहला है और हम इससे 117% सहमत छी कि कोनो भी आंदोलन के चले के लेल चाहे धन के बहुत बेसी जरूरत पड़े छे कार्यकर्ता कार्यक्रम कार्यकर्ता आई के समय में कार्यकर्ता बनबे के लेल और ओई कार्यकर्ता के संगे कार्यक्रम बनबे के लेल कार्यक्रम चलबे के लेल सब में धन के जरूरत छे और कियो भी कोनो बहुत बेसी आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति जे छे से ई आंदोलन में तो अबै नै छे किएक तऽ अई आंदोलन के बारे में एखन तक भ्रांति यह छे एखन तक जे कॉमन आदमी के समझ यह है जे अपन अगर हमर क्रीडेंशियल्स नहीं है क्रीडेंशियल्स मतलब हमर अगर उत्ते पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है तो अई आंदोलन में जुड़ जाए छी अई आंदोलन से जुड़ कर कनिक पॉलिटिकल वैल्यू बना ले आ ऐसा हमरा पूर्वांचल मोर्चा में किछो भेट जाए
ठीक छै आ तकर बाद पूर्वांचल मोर्चा में हम चलि जायब और ओकर बाद ओहिमे हम अपन देखाबे लगबै 36 चौरंगी रंग आ ताहिसँ हम अपन बड़का चीज हासिल कऽ लेबै। एखन तक मुख्य रूप से आदमी के समझ एतबे छै एहि आंदोलन के, तैं एहिमे भऽ की जाइ छै जे केओ अगर कतौ सँ कोनो व्यक्ति एहन मजबूत आदमी अचानक सँ चलि आयल, कनिक हल्का एनर्जी के फ्लो देलकै तऽ आंदोलन गमकऽ लगै छै और जखने फिर वो आदमी निकल गेल आकि वो आंदोलन बुझाई छै एना मिझा गेलै। हम अपने बात करी तो हम ई सब जहन दिल्ली में रहै छलहुं हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रही, कोनो दिक्कत नहीं रहे तो और कोनो दोसर चीज में पाई खर्च करे के आदत नहीं रहे तो यह आंदोलन में पाई खर्च कर के जना तना एक्टिव रहे एकरा रखै छलिए। ओतय से शिफ्ट भ के दरभंगा चल एलिए तो अपने संघर्ष में चल एलिए तो जहन हम अपने पैर हमर नहीं रोपल है तो हम कतय से दोसर कोनो आंदोलन के कह पेबे। बीच में कनी के स्ट्रेंथ हेलै तो फिर मिथिला राज्य निर्माण सेना एक्टिव भ गेलै। फिर ओकर बाद दू तीन साल से अहां देखिए रहल छिए जे कोरोना महामारी के इम्पैक्ट छै ताहिमे तो हरेक आदमी परेशान है तो एहि समय में आब कतय से अर्थ आनल जाए। कही के मतलब हम सब लुसफुसाई नहीं छी, जहन नीक समय फेवरेबल कंडीशन रहैए हम अहाँ हाथ बढ़बै छिए तो तुरंत हम सब एकटा हाथ बढ़ा के हर समय तैयार ठाड़ रहै छिए कि कियो भी एहन व्यक्ति आवे जे ओहो सामने से हाथ बढ़ावे कि हम सब धो लेबै और फिर से गनगना देबै तो ओ बीच बीच में कोनो कारणे कमजोर भऽ जाइ छै स्थिति आ फिर कियो मजबूत आदमी चलि आयल तो एक्टिव भऽ गेल। तो हमरा सबके एखन आब की लागि रहल है जे एहि आंदोलन में आब ओहि व्यक्ति सबके और हम ई स्पष्ट बात बाजि रहल छी कोनो भी ई आंदोलन आब एक चरण हल्का ऊपर चल गेल छै। आब एहिमे एहन कोनो आदमी अगर आबि कऽ जुड़ि जेता चाहथिन जे हम कनी चमका ली आ चमका कऽ फिर कोनो मोर्चा प्रकोष्ठ में चलि जायब तऽ ओ आब नहि पॉसिबल छै, किया तऽ ओ आंदोलन के चरण रहै ओ बीत चुकल छै। आब ओहन ओहन न्यू कमर के एतऽ नहि छै, एतऽ आब एहन मजबूत आदमी के जरूरत छै जे मजबूत आदमी सब एहि आंदोलन के आब एहि स्टेज से निकालि कऽ जन आंदोलन के पॉइंट पर अनतै और ओहन ओहन लोक के मिथिला राज्य आंदोलन के प्रति आकर्षण बढ़लैए। हम एखन एहि स्थिति में नहीं छी जे हम एहन बात स्पष्ट रूप से किनको नाम ली, लेकिन बहुत सारा लोग एहन संपर्क में छै जिनका आब अपन पॉलिटिकल जे एकटा फ्यूचर छै वो हुनका बुझाई छै जे गंगा ओहि पार बिहार में जे गंगा के दोसर दिस वाला पार्ट छै मगध भोजपुर वाला पार्ट ओकर जे सत्ता केंद्र छै पाटलिपुत्र ओहिमे सँ निकल कऽ हमरा सबके आब अपन एकटा सत्ता केंद्र बनेबाक चाही और ओ सत्ता केंद्र हमरा बुझाइए ई जे लोग फीलिंग एलैए ओहन ओहन मजबूत आदमी में कि हमरा सबके एकटा एहन केंद्र बनबाक चाही दरभंगा जकर स्टेप अहाँ देख रहल छिए। बहुत सारा चीज होइ छै जे बिना देखारो चलित रहै छै तऽ आंदोलन के ओ पार्ट धीरे धीरे मजबूत भेल जा रहल छै। चाहे अहाँ दरभंगा एयरपोर्ट के बात करी या अबै वाला समय में दरभंगा एम्स के बात अबै वाला एहि सब तरह की भ रहल छै, ओ प्राइड के फीलिंग एलैए तऽ एहन मजबूत लोक सब के भी आब जे हुनकर ड्रॉइंग रूम के चर्चा में हुनकर ड्रॉइंग रूम के राज्य आंदोलन मिथिला राज्य तैं हमरा सब लुसफुसाई नहीं छी, हाथ बढ़ेने बुझा रहल हाथ बढ़तै हाथ बढ़तै तऽ हम सब तैयार ठाड़ छी लब दऽ धऽ लेबै। राजेश भैया दरभंगा एम्स राजधानी दरभंगा एमएसयू के एखन कैंपेन चल रहल छै, तकरा बाद की कहै छै ओकरा जे दरभंगा एयरपोर्ट बहुत रास बात दरभंगा केंद्र जे छै से दरभंगा ताहि से संबंधित एकटा क्वेश्चन आबि रहलै, प्रश्न आबि रहलै जीवानंद जी जे मिथिला राज आंदोलन दरभंगे मधुबनी में किया सीमित रह गेलै। राजेश भैया मैंने हमरा से पूछे छी, हाँ हाँ अही अही लेल क्वेश्चन एलै, अहाँ देख सकै छी स्क्रीन पर जीवानंद झा जी पूछ रहल छथि जे राजेश भाई अहाँ के नहीं लगैया जे आंदोलन दरभंगा मधुबनी में सीमित के रह गेलै? नहीं तो हमरा लगैए जीबू भाई अगर ई प्रश्न कह रहल छै जीवानंद झा जी जे दरभंगा मधुबनी में सीमित भ के रह गेलैए अपना बात के ओ स्वयं काटि रहल छथि। जीवानंद झा सुपौल के छथि, जिला सुपौल, कोसी ओहि पार कोसी के पूरब दिस और ओतय रह कऽ और हमरा याद अछि जे आइ से करीब 6-7 महीना पहिने हमरा सब सुपौल अररिया और पूर्णिया किशनगंज कटिहार एहि सब बेल्ट में भ्रमण करै छलहुँ हैं और हमर सबके यह खोज रहे जे ई आंदोलन के केना पैठ बनायल जाए और दर्जना आई लोग कहि रहल छै जे दरभंगा मधुबनी तक खाली सीमित एहि चलते लोग ई बात बजे छथि कि फेस पर अहाँ देखबै जे दरभंगा मधुबनी के लोग कनी बेसी अहीं छी मधुबनी के अनूप छथि दरभंगा के
मतलब दरभंगा मधुबनी के लोग अगर एक्टिव छथि फेस पर तो वो देखेबे करता, तो एकर मतलब ई नहीं छे जे दरभंगा मधुबनी के लोग किनको रोक रहल छथिन। आई अगर सहरसा सुपौल के लोग फेस पर आवैत तो हमरा लगैया ई बहुत नीक हैत। सुमित जिला सुपौल से हमरा संगे जुड़ल छथि, सुमित मिश्रा जीवानंद झा जी द कहबे कहलौं, इहो अपने सुपौल से छथि, सहरसा से समाज एकटा छथि कोन खां समाज, हमरा के नाम बिसर रहल छी, सुमन खां समाज, ओ हमरा से जुड़ल छथि। कटिहार से विक्टर अपना सब से जुड़ल छथि, पूर्णिया से हमर परिचित छथि ओतय शैलेंद्र गुप्ता, वो बहुत एक्टिवली सोच रहल छथि आंदोलन के काज करी। एहन बात नहीं छै, सब जिला के लोग एहिमे सम्मिलित छथि, बिल्कुल सब ठाम से लोग जुड़ल छै। तर मित्र लोगन अपने लोगन के जानकारी कराबी छै, अखन अपने लोगन देख रहल छी samadhiya.com पर मिथिला राज पर केन्द्रित समधिया पर चर्चा, मिथिला राज आंदोलन खखरी कुटब। बीरबल जी सेहो छथि, बीरबल जी के टेक्निकल समस्या किछु छनि, हुनकर आवाज़ क्लियर नहि आबि रहल छनि, तकर बाद की कही जे नेटवर्क सेहो इशू छै, तथापि हम एक बेर फेर सँ बीरबल जी सँ जुड़बाक प्रयास करै छी। बीरबल जी से ई जानबाक प्रयास करै छी जे मिथिला विरोधी लोक सब बेर बेरी आरोप लगबै छथि, बेर बेरी कहै छथि जे मिथिला मे कोनो उद्योग छै नहि, मिथिला मे कोनो प्राकृतिक संसाधन छै नहि, जेनाकि कोयला या पेट्रोलियम या कोनो तरहक संसाधन या खान कहियो ओकरा नहि छै। तखन मिथिला राज बनायब या मिथिला राजक बात करब अपना पैर पर अपने कुरहर मारब छै, एहिसँ अहाँ कतेक सहमत कतेक असहमत छी बीरबल जी? बीरबल जी आवाज, आप आवाज जाइए, आवाज आबि रहल अछि, आप ठीक है? आवाज, आप आवाज ठीक है ना? ठीक है, कहियो जी। ठीक है, हम आए अपने के आए प्रश्न से बिल्कुल सहमत नहीं छी जे मिथिला में कोनो प्राकृतिक चीज नहीं छे, ये कोनो जरूरी नहीं छे कि खनन तऽ हेबाक चाही तहने उद्योग के ओ आधार बनि सकै छै। खनिज संपदा यानी माटि के नीचा वाला, माटि के ऊपरो में हम प्राकृतिक संपदा छै जै के द्वारा हम ओकरा हम व्यापार में और उद्योग में हम ओकरा परिवर्तन कऽ सकै छी। जेना कि हम अहाँ बुझै छियै जे मिथिला में पानि के भरमार छै, तऽ पानि सँ तीन टा उद्योग मेन जे छै बनि सकै छै, एकटा मखाना, एकटा बिजली जे अहम चीज छै बिजली उत्पादन भऽ सकै छै, आर मछली पालन उद्योग बहुत पैघ स्केल पर कैल जा सकै छै। ई तीनों के यदि एकटा सरकार पर दबाव बनल जाए तो ये तीनों उद्योग बहुत और विश्व लेवल के उद्योग बनि सकै छै। जेना आंध्र से मछली अबै छै तहिना मिथिला से मछली पूरा विश्व में हेतै, भारत में नहीं जेतै विश्व में जा सकै छै। और दोसर बात जकर कारण छै जते संगठन बनल छै ओ संगठन मिथिला के नाम पर जते संगठन छै ओ संगठन दोषी छै। संगठन की केलकै से हमेशा ओ संगठन जाकर गांव घर में या समाज के जोड़े छथिन, आ जाकर कतौ नहि जाकर ओ मुँह कऽ जाय छथिन या हुनका पे चुनाव के समय प्रचार प्रसार में लगा दै छथिन। लेकिन वह संगठन सब मिलकर यदि मिथिला राज्य के पार्टी आधारित में हूँ सब अपन शक्ति के लगे थी तो हमरा भ सकया जे ओ दिन दूर नहीं छे जे मिथिला राज साल दो साल के अंदर में नहीं बन पेते। लेकिन दुर्भाग्य से मिथिला के राज्य बनने में जे मिथिला राज आंदोलन के समर्थन नहीं कर कर वो आम पार्टी के समर्थन करो में फ्रंट लेवल पर या बैकग्राउंड से वो सब लग जाए छे, मिथिला आंदोलन के कमी या का छे। बीरबल जी, बीरबल जी, चूंकि अहाँ के आवाज एखनो नीक जगह नहीं आ रहा है, हाँ तैयो हम एकटा चीज, एकटा और बात अहाँ से हम जाना चाहब जे मिथिला में एखन एकटा नया कल्चर शुरू भेलै धमकी वाला कल्चर, धमकी एहि संदर्भ में जे जँ अहाँ हमरा माइन मोजर नहीं देव तो हम बज्जिका में चलि जाएब, अहाँ हमरा माइन मोजर नहीं देव तो हम अंगिका में चलि जाएब। तो एना में माइन मोजर अब किनका के देते,
आ किया देते अई पर मंथन करवाक चाहिए जब हमरा माइन मोजन अहाँ किया दे हम ओहन किछु करब तखन हमरा माइन मोजन भेटबाक चाही। अब अपने मुने हम अयलहुँ किछु लिखऽ लेल अयलहुँ किछु पढ़ऽ लेल अयलहुँ किछु गाबऽ लेल अयलहुँ आ ओहिमे माइन मोजन तकै छी तऽ ताहि पर बीरबल जी की कहै छथिन जे हमर जे हमरा ओ जगह नहि दै छथि या एक सेकेंड रुकब के ई छनि जतेक साहित्यकार छथिन या कवि छथिन या सामाजिक कोनो छथि ओहिमे अंगिका क्षेत्रके आओर बज्जिका क्षेत्रके समाहित नहि कयल गेलनि हँ। स्वाभाविक एकर ओहिके पाछा दोष जे नहि होबयके कारण छै जते संस्था बनै छै ओहिमे मधुबनी आओर दरभंगाके लोक जते बढ़ि कऽ भाग लै छथिन अंगिका बज्जिकावला सभ नहि छथिन, सिर्फ ओ सभ चाहै छथिन पात बिछै बिछा कऽ हम खाइ, यानि संस्था बनि गेलै तऽ ओहिमे हमरा नाम हेबाक चाही लेकिन हम मेहनत नहि करब तऽ अंगिका बज्जिका वलाके सेहो आउट पड़तै। ई धमकी एकटा देखियौ जे धमकी ओ ओहन रूप नहि छै, हँ किनको किनको एकटा बोर्ड खोल छै तऽ बोर्ड खोल के अलग बात छै किनको बातके हम अहाँ रोकि नहि सकै छी, तऽ एहिसँ रवन पर कोनो प्रभाव नहि पड़ऽ वला छै या मिथिला राज्य बनतै तऽ अंगिका बज्जिका अपन अलग नहि कऽ सकै छै। हँ तकलीफ बड़ी बात जरूर अछि जे झारखण्डमे अंगिका भाषाके पर जोर देल गेलै, ओकरा मैथिलसँ मैथिलके अलग कऽ कऽ अंगिका देल गेलै, ताहिके लेल हमर जते संगठन सबके जे काम छै शैक्षिक संगठन छै ओहि सबके जुड़बाक चाही, ओहि चीजके विरोध करबाक चाही। हम शुरूसँ राजनीतिक रूपसँ रहलहुँ, राजनीतिक दलसँ जुड़ल रहलहुँ, ओना अनु भाई जे एम एस यू के हमरा जतऽ भेल जेना भेल तन मन धनसँ कोनो हमरा अपनो आदमीके खिलाफ आबऽ पड़लै तऽ अनुप भाईजीके पक्षके या हुनका अनुप भाईजीके पक्षमे नहि हुनका संगठनके पक्षमे हम मजबूतीसँ खड़ा रहलहुँ हँ। आदमी पहुँचाबैके जरूरत रहलै हँ, बेनीपट्टीके मे लड़ाइ होय या आर दिल्लीके लड़ाइ हो तऽ हम तन मन धनसँ हुनका सङ्गे खड़ा रहलियै हँ। एहि दुआरे कतौ ने कतौ अनुप भाईमे मिथिला राज्यके प्रति हुनका संगठनमे होइ या नहि होइन ई तऽ अलग विषय छै, एहि डिबेटके नहि छै, लेकिन अनुप भाईजीके निजी तौरपर ई रहलनि हँ जे मिथिला राज्य बनतै तऽ मिथिलाके उद्धार हेतै आओर चहुमुखी विकास हेतै, ओ तखने हेतै जखन मिथिला राज्य बनतै। ओ बढ़िआँसँ बुझै छथिन, राजसु बाबू बढ़िआँसँ बुझै छथि, अपनहो बढ़िआँसँ बुझै छै, जब तक ककरो स्वतंत्र अधिकार नहि हेतै ओ चीजके पूर्णतः विकास नहि भऽ सकै छै। ताहि दुआरे मिथिला राज्य संगठन छै आग्रह करबै जे अहाँ सब संगठन बनाउ, जी बीरबल जी फेरसँ हम अहाँसँ जुड़ प्रयास करब। आब जेना जेना हमसब डिबेट के अंतिम क्रम में जा रहल छी हिनकर आवाज सेहो ठीक भऽ रहल छनि। आब हम चलै छी राजेश भैया लग। राजेश भैया, आजादी के समय एकटा आंकड़ा है हमरा लग, आजादी के समय बिहारक कुल राजस्व के 49% राजस्व मिथिला क्षेत्र से अबै छलै, जखन झारखंड के बंटवारा भेलै अर्थात 2000 ईस्वी के बाद ई राजस्व घटिक 12% भऽ गेलै। अर्थात हमसब एतेक साल में अहाँ के चौगुन्ना गति से गरीब भेलहुँ। बिहार सरकार के उपेक्षा जगजियार छै मिथिलाक प्रति, एहना में मिथिलाक लोकक खून किया नहीं खौले छन? डाटा के और हल्का सहज कर दै छै, जे समय में देश आजाद होइ भेल छलै 1947 में, ओहि काल में पूरा देश जहन एक रुपया कमाइ छलै तो मिथिला क्षेत्र सेहो 72 पाई कमाई छलै, मीनिंग कनिक हल्का देश के औसत से पिछड़ल तो अपना सब ओहो समय छलहुँ हैं, 47 में छलहुँ हैं। एहन नहीं रहे जे 47 में कोनो स्वर्ण युग छलै या जे आब आबि कऽ माटि युग भऽ गेलै, से बात नहीं छै, पिछड़ल छलहुँ हैं, लेकिन पिछड़ापन एहन स्थिति में नहीं रहे जहन 47 में देश एक रुपया कमाई तो हमू सब 71-72 टका कमाई, 71-72 पाई कमाई, लेकिन आई स्थिति 2005-06 के जे इकोनॉमिक सर्वे छै ओतय तक ई रिपोर्ट में अंकित भऽ जाय छै जे जै समय में आब देश एक रुपया कमा रहल छै तऽ हमरा अहाँ क्षेत्र के जे जनता है, हमर अहाँ के जे क्षेत्र है मिथिला, ओ केवल 17 पाई कमाई छै।
71 72 से 17 18 पाई तक के जे नीचा छे ई निश्चित रूप से एकटा बहुत बड़का प्रश्न छे हर एक एस्टैब्लिशमेंट के लेल, चाहे वो केंद्र के स्तर पर जे एस्टैब्लिशमेंट छे इंडिया के, या स्टेट के लेवल पर जे बिहार सरकार के जे एस्टैब्लिशमेंट छे, तकरा एकटा जोरदार तमाचा छे ओकर पॉजिटिव बात करे वाला लोग के लेल। तो ई हम अहाँ जे गरीब भ रहल छी से गरीब अई चलते नहीं भ रहल छी जे हमर अहाँ के सामर्थ्य कमी गेला 47 से, नहीं, हमरा 47 के समय में जे हमरा अहाँ के उपलब्ध रहे संसाधन, ओई संसाधन के यूज क के ओकरा हम सब अर्थ के रूप में बदले के जे व्यवस्था हमरा लग उपलब्ध रहे वो इस समय में ठीक रहा, जे क्रम से हमर सबके धीरे धीरे खराब हो गेल और तकर कारण छे बिहार सरकार के द्वारा उपेक्षा और धीरे धीरे शिफ्टिंग भेल गेले, जे पॉलिटिकल जे पावर छले है बिहार के वो धीरे धीरे गंगा ओई पार शिफ्ट कर गेले। एखन बहुत जबरदस्त बात अहाँ पूछलियन और ओकर जवाब दिला बीरबल जी, लेकिन हम ओकरा और हल्का आगू बढ़बै छी जे राज्य बने के लेल कोनो बहुत बेसी भारी उद्योग ही टा खाली ओतका जनता के पेट भर पेते से गप नहीं छे। जमाना आब एआई के छे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाना छे, ओई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाना में भी सबसे बेसी अगर इंटेलिजेंसिया छे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छे, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमरा अहाँ के क्षेत्र में बसै है। आई के समय में मानव संसाधन सबसे बड़का संसाधन छे, कोनो भी अरे खत्म भ जेते जकरा लग खान छे ने, हम एखन छत्तीसगढ़ से बात कर रहल छी अहाँ से, चारों दिस खाने छे, लेकिन एतका लोग से हम काल्हि से एलौ हैं जखन से एतय लोग के चर्चा इएह भ रहल छै जे खान खत्म भ जेते तहन की हेतै। जना अहाँ दुबई के देखबे जे दुबई में आब ई चर्चा भ रहल छै मिडिल ईस्ट में जे तेल खत्म भ जेते तहन की हेतै, तऽ लेकिन केहनो समय आबि जेते मानव संसाधन के उपयोगिता खत्म नहीं भ सके या बढ़बे करते। तो मिथिला राज्य के लेल अगर कियो ई प्रश्न करे जे आखिर ई हम सब अपना पैर पर तक कुल्हेर नहीं मारि रहल छी, तकर सबसे सटीक जवाब हमरा हिसाब से यह हेते जे मानव संसाधन सबसे पैघ संसाधन छै, और चूंकि बिहार के पॉलिटिकल पावर, बिहार के एस्टैब्लिशमेंट के जे स्ट्रेंथ छै, ओकर जे कोर छै, लोकस छै, ओ लोकस शिफ्ट भ गेल छै गंगा ओहि पार पाटलिपुत्र दिस, तैं जनसंख्या के आधार पर जे केंद्रीय कर के विभाजन हुई है, ओहि विभाजन के तहत जे हिस्सा भेटै छै बिहार के, तो बिहार में तो तीन टा सोशियो पॉलिटिकल अगर एरिया अगर अहाँ देखबे तो छै मगध, भोजपुर और मिथिला। तो जनसंख्या के आधार पर मैक्सिमम क्षेत्र हमर अहाँ के, तो पाइयो में बंटवारा हमरा सबके वह जनसंख्या आधार पर हेबाक चाहिए, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पावर हमरा अहाँ लग नहीं है, वो शिफ्ट भ गेल छै गंगा ओहि पार, वो मगध के क्षेत्र में, भोजपुर के क्षेत्र में, तो वो हमर अहाँ के हिस्सा के, हमर अहाँ के हिस्सा के जे पाई है तकरा बलात् खर्च कर क दैये कई दिस गंगा ओहि पार, और हमरा अहाँ के हाथ उन्हें खाली के खाली रह जाइए। ते निश्चित रूप से बुझियो जे अगर मिथिला राज्य के बना देल जेते तो इस आबे वाला समय में सबसे बेसी अगर सुदृढ़ व्यवस्था अहाँ के कतौ के देखा तो मिथिला राज्य के देखा। दोसर बात अहाँ जे एक टा सवाल कलौ, हम चाहब जे ओकरो जवाब हम कनी दी। अहाँ कहलौ जे कियो अंगिका बनि जाय छथि, कियो बज्जिका बनि जाय छथि, अरे एखन जे बनि रहल छै बनो दियौ, कोनो दिक्कत नहि छै। एक बेर हमरा अजीत आजाद जे छथि, अजीत भाई, हुनका से चर्चा भेल, कियो हुनका कहलकनि, इएह सब चर्चा होइत रहै जे 20 टा संस्था बनि जाइ छै, 20 टा ग्रुप बनि जाइ छै, वो हमरा बड़ा निक एक एग्जाम्पल देला और हम आई कोट करे चाहे छी ओहि बात के। तो वो हमरा कहला जे युधिष्ठिर के एक बेर कियो पुछलकनि जे अहाँ 5 भाई छी कि अहाँ 105 भाई छी, 100 तो पितियोत रहे ने दुर्योधन, वो तो 100 रहे, तो अहाँ 5 छी कि 105 छी। तो युधिष्ठिर जवाब दिलखिन, वयम पंचम वयम पंचम वयम पंचम सतानिते, मतलब हम सब 5 छी 5 छी 5 छी, ओ 100 वयम पंचम वयम पंचम वयम पंचम सतानिते, अन्य महाविवादेस्तु वयम पंचा सताधिकम, मतलब अनका ककरो से लेकिन जहन हमरा सबके फरियबे के मौका है तो बउआ, तो हमरा सब तहन 105 छियो। तो अइला कोनो दिक्कत नहीं छे, अंगिका के लोक होय बज्जिका के लोक है, कोनो दिक्कत नहीं छे, एकटा फ्लैट रहे छे, 4 रूम रहे छे, 4 तरह लोक सजेने फिरे छे,
ककरो से कोनो हमरा सब के अभिधा व्यंजना नहीं है। अंगिका वाला अंगिका से खुश रहे, बज्जिका वाला बज्जिका कल्चर से खुश रहे, कोनो दिक्कत नहीं छे। अहाँ के हम निश्चित रूप से ई बात कहे छी, जहिया मगध से टकराहट हेतै, जहिया मगधिया सरकार से टकराहट हेतै, जहिया गंगा ओहि पार के जे शेठ साहूकार छे तकरा धसबै के गप उठतै, तो हमरा सब 105 भ जेबै। ओहि काल में हम सब बिसर जेबै जे हम सब 5 रही की 100। महत्वपूर्ण गप कहलिए राजेश भैया, जे जखन हमरा सबके मगध से टकरवाक समय हेतै तो हम सब 105 भ जेबै। मिथिला स्टूडेंट यूनियन जखन एलै, मेरा से किछु ठमकलै तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन एलै, मिथिला स्टूडेंट यूनियन एलै तो जै मानव संसाधन के बात कह रहल छलै था एखन राजेश भैया, से मानव संसाधन के संग एलै, अर्थात हैंड पावर के संग एलै। बहुत रास लोग बहुत ठाम से ओहि संस्था में जुड़ला, लोग के एकटा उम्मीद जगलै। लेकिन अनूप भाई, मिथिला स्टूडेंट यूनियन पर ई आरोप छै जे अहाँ सब की कहबै ओकरा, जे जन सरोकार के मुद्दा उठेलिए, लेकिन ओहि जन सरोकार के मुद्दा तक के अंजाम तक नहीं पहुँचा सकलिए। एकटा मुद्दा उठेलिए, फिर ओकरा छोड़ कर दोसर मुद्दा उठा दिलिए, तेसर मुद्दा उठा दिलिए, एकरा पर की कहबे? नहीं नहीं देखियो, ये सब आरोप जे छै से पूर्णता सच नहीं छै, पूर्णता सच नहीं छै। इको भ रहल है आवाज कनी। हां, इको भ रहल है आवाज कनी। आरोप ठीक छै। हाँ, पूर्णता आरोप ही सच नहीं छै अहाँ के अक्षय भाई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन जे काज कर रहल छै, लोग आरोप तो लगा रहल छथिन, लेकिन कहियो ई आरोप लगाबे वाला लोग कहियो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कोनो भी पदाधिकारी या कोनो भी सेनानी के फोन कऽ के पुछलखिन जे बौआ अहाँ सब जे मुद्दा उठा रहल छियै, काज कऽ रहल छियै, तऽ कोन तरह के दिक्कत आबि रहल अइ, कि पैसा के अभाव भऽ रहल अइ या मैन पावर के अभाव भऽ रहल अइ। अगर मान लियो पैसे के अभाव भऽ रहल अहाँके, 5,000 रुपया चाही तऽ हम 500 रुपया अहाँके सहयोग कऽ दै छियै, 500 रुपया सहयोग कऽ दै छियै, तऽ जतेक व्यक्ति आरोप लगा रहल छै ताहिमे से बहुत कम लोग ई कहियो पुछलखिन, प्रश्न केलखिन। हमसब तऽ अहीँके समांग छी ने, कोनो विलायत सँ तऽ नहि आयल छियै, अमेरिका लंडन सँ नहि आयल छियै। आ सब गोटा के सबके अच्छा मैथिल में तो वो कहल जाए छे कि अपन सबके लत्ती बहुत नमहर के छे, केकरो एहन तो एहनो हम सब लोग तो नहीं छे जे अनरीचेबल छे। हम सब तो ट्रंप नहीं छे या जॉय बाइडेन नहीं छे जे अहाँ के कॉल नंबर नंबर उपलब्ध नहीं है या घरक पता नहीं है, सब सब से जुड़ल छे, तो अहाँ आज तक नहीं पूछलिए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ हमेशा समस्या ई रहलै कि रिसोर्स हमरा सबके पास बहुत कम छे, और नौजवान सब बहुत रास मुद्दा उठेलखिन, बहुत रास मुद्दा के अमली जामा सेहो पहिरलखिन। अहाँ एलुमिनियम वाला मुद्दा देखियो, हमसब मुद्दा उठेने रही सेशन के सही करू, तो इतिहास में तो पहले बेर भेले कि एलुमिनियम में 3 साल के डिग्री 3 साल में मिल रही नहीं हो। आई यहाँ के बिहार में बहुत सारा कॉलेज छै, तिलक मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में छै, 3 साल के डिग्री 5 साल में मिले छै। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यहाँ के छै, यहाँ के मुजफ्फरपुर में 3 साल के डिग्री 5 साल में मिले छै। मधेपुरा में बी एन मंडल यूनिवर्सिटी छै, 3 साल में 3 साल के डिग्री 5 साल 4 साल 4.5 साल में मिले छै। तो MSU तो एगो बड़का आंदोलन कह के अहाँ के 5 साल के 3 साल के डिग्री 3 साल में दिएलक। मैथिल कम से कम लाख हजारों मैथिल परिवार के 1-1.5 लाख रुपया बचा दिलखिन। अहाँ के लड़का के अगर डिग्री लेट हो छलै तो उनका मजबूरी में दरभंगे रह पड़े छलै 3 साल, चाहे 3 साल के बदला में 5 साल, वो कतौ कमाए ला नहीं जाए छलै थे, कोनो हायर कोर्स करा ला नहीं जाए छलै थे। ई अहाँ के बच्चा के 2 साल हम बचेलो, 2 साल बचेलो, एक मतलब छै, एक मतलब छै अनुभ भाई, 2 साल बचेलो, एक मतलब छै, एक मतलब छै। नहीं नहीं अनुभ भाई, बीच में इको भ रहल है। नहीं नहीं एगो इको भ रहल है। बीच में हम अहाँके रोकि रहल छी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एलुमिनियम में डिग्री के 5 साल वाला के 3 साल कऽ देलकै। मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा एयरपोर्ट लेल आवाज उठेलकै, मानै छी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एम्स के लेल लड़ रहल छै, मानि रहल छी, दरभंगा एम्स के लेल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगाक विभिन्न रास मुद्दाक लेल लड़ै छै, तऽ तखन फेर राजधानी दरभंगे किया? आरोप इहो छै ने, राजधानी दरभंगे किया? मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा, मिथिला मतलब दरभंगा तो नहीं, राजधानी मुजफ्फरपुर किया नहीं, राजधानी सहरसा किया नहीं? देखियो अक्षय भाई, अक्षय भाई इको भर रहा है, इको भर रहा है, इको 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 ठीक। हाँ, सबसे बड़का बात है जे अहाँ के केंद्र बनावा पड़त। जेना अहाँ राज्य आंदोलन के बात कर रहल छी, तो हम सब तेलंगाना राज्य आंदोलन के बारे में ज्यादा सुनलिए, ज्यादा नहीं सुनै छलिए, नहीं पढ़े छलिए ओतेक, लेकिन जखन सुनै छलिए तो एगो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम हमेशा सुनै छलिए। उस्मानिया के लड़का ऐलान कलकै कि तेलंगाना बंद रहते, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लड़का आत्मदाह कर दिल्कै, उस्मानिया में ई भेलै, उस्मानिया में ओ भेलै। तो अहाँ के केंद्र एगो बनाबऽ पड़त,
और हमरा सबके कतौ ने कतौ लगैया कि दरभंगा के लोग के जे मिथिला के प्रति डेडिकेशन छै, दरभंगा मधुबनी में जे और आसपास के जिला में जे मिथिला के प्रति भावना छै, तो मिथिला के केंद्र अहाँ के दरभंगा के बना के लोग के अगर हम सब लक्ष्य के प्राप्ति ला लागी तो हम सब जल्दी अचीव कर लेब। और दरभंगा के अगर हम सब केंद्र बनबै छी तो दरभंगे के फायदा नहीं हेतै, दरभंगा से ज्यादा फायदा अहाँ के आसपास के जिला के भऽ रहल छै, कियाकि दरभंगा में आप विस्तार कर रहल है, दरभंगा शहर में जगह नहीं बचलै, दरभंगा आप फैल रहल छै समस्तीपुर दिस, दरभंगा आप फैल रहल छै अहाँ के मधुबनी दिस, तो दरभंगा से सबके फायदा भऽ रहल छै, सहरसों के फायदा भऽ रहल छै, पूर्णियों के फायदा भऽ रहल छै। अब राजधानी के हम सब मांग एहि लए केलियै, राजधानी के मांग हम सब एहि लए कऽ रहल छी राजधानी दरभंगा, कि हमरा कोनो दिक्कत नहि, पूर्णिया राजधानी यहाँ मांग करू, मुजफ्फरपुर के औद्योगिक राजधानी बनाबऽ के मांग करू, आर्थिक राजधानी के बेगूसराय के औद्योगिक राजधानी बनाबऽ के मांग करू, कोनो समस्या नहि छै। लेकिन खाली यहाँ चारि गो आदमी फेसबुक पर लिख देबै ओहिसँ तऽ मांग अहाँके नहि पूरा हेतै, मांग लए अहाँके एगो मैन पावर चाही, एगो बहुत जन समर्थन चाही, तऽ हमरा सबके दरभंगा मधुबनी में जन समर्थन मिल जाइ छै, घर घर से समर्थन मिल जाइ छै, नहि हर घर से तऽ हमरा लगैया 10 घर में से 2 घर से जरूर हमरा सबके समर्थन मिल जाइ छै। तऽ आओर केन्द्र छै तऽ हमरा सबके माना में देखियौ लोक सबके आब मानि लियौ माना में कतौ अहाँ जइयौ सहरसा जइयौ मधेपुरा जइयौ पूर्णिया जइयौ हर आदमी दरभंगा मधुबनी के मिथिला आंदोलन के केन्द्र मानै छै, केन्द्र माना में हमसब डिफेंसिव मोड में रहै छी हमेशा, हमसब आब डिफेंसिव मोड में किया रहे छी, नहीं रहके छै, हाँ दरभंगा केंद्र छै, अहाँ के दरभंगा अगर मिथिला राज्य बनाबे के दरभंगा के केंद्र माना पड़त, मिथिला विचारधारा के फैलावे के दरभंगा के केंद्र माना पड़त अहाँ के, किया एहि लए नहि माना पड़त कि दादागिरी छै, एहि लए कि एतय के घर घर में मिथिला के प्रति जेना मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग खाली मधुबनी में बनै छै कि जनकपुर में सेहो बनै छै, अगर कुंदन राय के एगो मास्क वाला अहाँ देखने वैक्सीनेशन वाला मिथिला पेंटिंग अखन फेमस भेलैए, ओ समस्तीपुर के कलाकार कुंदन राय बनेने छै, लेकिन ओकर नाम की देने छै जी आई टैग मधुबनी पेंटिंग छै, तऽ आप मानि लियो मधुबनी पेंटिंग किया राखल गेलै, किएकि मधुबनी के लोग ज्यादा बनबै छथिन, पूरा मिथिला में लोग बनबै छै लेकिन मधुबनी के लोग कनी ज्यादा पार्टिसिपेट करै छथिन, मधुबनी के घर घर में पेंटिंग बनै छै, तेनाहिते मिथिला मैथिली के जे भावना छै ओ अहाँ के घर घर में इम्हर पायल जाइ छै, तैं हमसब एकरा केन्द्र मानि कऽ, और केन्द्र जेना हमर सबके आस्था के केन्द्र सीतामढ़ी छै, तेनाहिते हमरा अहाँ सबके मानऽ पड़तै कि आंदोलन के केन्द्र दरभंगा छै, और दरभंगा के केन्द्र मानिकऽ जेना उस्मानिया यूनिवर्सिटी रहै तेलंगाना आंदोलन ला केन्द्र, तेनाहिते एकरा केन्द्र बना कऽ हमरा सबके पूरा बिहार के विकास के बात करऽ पड़तै। हमरा सब लग समय बहुत कम है और बहुत रास क्वेश्चन है, हमरा एकटन कमेंट में सेहो क्वेश्चन सब आबि रहल है, और ज्यादातर क्वेश्चन जे से मिथिला स्टूडेंट यूनियन से संबंधित है, वो भाषा वाला बात जे छलै तै पर गोल मटोल अनूप जी जवाब दे देला, हम कहने छलियै ना जे फेर आब हम उतर फेर आब, ओहिसे पहिने हम एक बार चलै छी। अच्छा भाई, एक बार एक मिनट, एक बार एक मिनट, 2 मिनट में सल्टा दे बात के, इको खाली कम कर, इको खाली कम कर, हम इको खाली, हम फेर इको खाली, हम आइब रहल छी अहाँ लग, ओहिसे पहिले एक बार हम राजेश भैया लग चलब, और ओहिके बाद फेर एक बार बीरबल जी लग सेहो हमसब जेबाक प्रयास करब, आ ताहिके बाद अंत में अनूप जी से संबंधित या MSU से संबंधित बहुत रास क्वेश्चन है, तकरा समेटबाक प्रयास करब। राजेश भैया, मिथिला राज या फिर मिथिलाक विकास के केंद्र दरभंगे किया, अनूप जी से जे पूछलियै वह बात हम अहाँ से पूछ रहल छी। अगर मिथिला राज्य आंदोलन के आत्मा अगर बसै छै तो मिथिला आंदोलन के आत्मा दरभंगा में बसै छै, और दरभंगा के एकमात्र अइ बात के लेल दरभंगा के दंडित नहीं करबाक चाहिए, किएक तो बेसी लोग दरभंगे से और मधुबनी क्षेत्र से मिथिला राज्य आंदोलन में सम्मिलित भ गेला है, या मिथिला आंदोलन के मुखर आवाज बनने के लिए तत्पर छथि या लागल छथि या समर्थक छथि, तो एकर दंड नहीं दरभंगा के भेटबाक चाहिए। हमरा लगैया भार को सम्मान दो, लिंकन कहने छै, तो अगर केओ भार उठा रहल छै तो ओकरा सम्मान भेटबाक चाहिए, तो दरभंगा हर तरह मिथिला आंदोलन के हार्ट है, ओकर केंद्र बिंदु है, और ई जे अहां देख रहल छी जे लोक एकर विरोध करे छे, ई सब नहीं कियो करे छे, गोटेक आधे 2-4-5-10 लोग कतौ बजे हेता, हम तो कम से कम हमरा लगैए कोनो डिस्ट्रिक्ट एहन नहीं है मिथिला के जे में हम जाय नहीं छी, कुछ अपन व्यक्तिगतो कारण प्रोफेशनल कारण से सेहो, और किछ ओहिनो संपर्क में घूमे के लेल मित्र बंधु लेल, एखने अहाँ जीवानंद झा जी के बात कने रही, उनके संगे पूरा के पूरा कोशी क्षेत्र घूमल छी, कियो आज तक हमरा से सवाल नहीं कलक जे दरभंगे राजधानी किया, ई त एखन सवालो नहीं छे ठीक से देखल जाय त, एखन त पहिने मूर्ति बनायल जाय तहन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हेतै, तहन देखल जेतै ओ प्राण प्रतिष्ठा कतौ से कयल जाय, त
तैं इस सवाल ठाड़ ओ लोग करै छथि जे कि आंदोलन के विरोधी छथि मुख्य रूप से। लेकिन हम अनूप के बात से एकदम सहमत छी और जे कियो भी लोग अगर दरभंगा के मामले में विरोध करे छथि, हम मान के चल रहल छी जो एक तरह से आंदोलन के विरोध कर रहल छथि कि अगर आत्मा अगर बसे छे कतौ मिथिला आंदोलन के, तो निश्चित रूप से दरभंगा छे। दरभंगा हर तरह ओइ आत्मा के रखबाक लेल हर तरह तैयारो है, ओकरा लग सामर्थ्य छे। बुझलिए अधिकार पावर जो है ना, पावर मजबूत भुजा के हाथ में ही नीच चीज बन सकी है। दरभंगा मजबूत भुजा छे मिथिला के, जकरा हाथ में अहां ओ ऋण दे सकै छी, जे नेपोलियन के स्टेटमेंट छे जे राजमुकुट को कहल के जे मुझे राजमुकुट धूल में गिरा हुआ मिला, जिसे मैंने तलवार के नोक पर उठाया और अपने सर के ऊपर बिठा लिया। तो मिथिला राज्य आंदोलन के जो मुकुट छे वो दूसरी तलवार वाला हाथ से है दरभंगा हाथ के सम्मान बैठबाक चाहिए। एकदम एकदम अंतिम क्वेश्चन, एकदम छोट सन के क्वेश्चन, एकदम छोट सन के जवाब राजेश भैया यहाँ से चाहब। मिथिला राज निर्माण सेना जय तेवर के संग रहे, लगभग वै तेवर के संग मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हो छे। मिथिला राज निर्माण सेना जत रुक गए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन ओत से चल ले, तो कि अहाँ मानै छिए जे मिथिला राज निर्माण सेना के सारा पर का तुलसी छे MSU? की भेल सन्नी के आवाजे गायब भ गेलन छी। बिरबल जी के, बिरबल जी आवाज आबि रहल है की? आबि रहल है, आबि रहल है। बिरबल जी, बिरबल जी हमरा सब के टाइम रहल है। बिरबल जी आवाज आबि रहल है? बिरबल जी की आवाज डिस्कनेक्ट, पता नहीं नेटक बहुत रास समस्या छे। चलो हम अनूप लंग चले छी और बहुत रास क्वेश्चन आबि गेल है हमरा ई में की कहै छै ई में जे संभवतः अनूप सेहो स्क्रीन पर देखैत हेता। बेर बेर आरोप लगै छै जे मैथिली के खत्म करबाक एकटा षड्यंत्र मिथिला स्टूडेंट यूनियन रचि रहल है मैथिली भाषा के, कारण मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 90% सेनानी फेसबुक पर हिंदी लिखे छथि। अई पर अनूप की कहता? देखियो अक्षय भाई, हम सब जखन एमआरएनएस में हम सब काज करै के लिए साथे साथ हम सब अपना सब काज केने छिए, तो हमरा सब के एगो चीज बड़ा अनुभव भेलै कि आंदोलन अहाँ के अगर एक साल के तैयारी अहाँ अगर करबै, एक साल के अगर अहाँ सब किछु तैयारी कऽ रहल छी या दू साल के अगर अहाँ के समय तैयारी करल है, तो हम कोनो बड़का आंदोलन ठाड़ नहीं करू। अहाँ जैसे से घर बनाओ, अपन अहाँ जैसे से परिवार के देखू, एक साल दू साल में लोग कमा के घर बना सके या पक्का के घर आराम से बना सके छी, तो अहाँ एकर तो एकर लक्ष्य राखू अहाँ कि हमरा अगर दू तीन साल अहाँ समय देबऽ चाहे छी आंदोलन के, तीन साल में चाहे छी सब मुकाम हासिल कर ली, तो अहाँ जैसे से घर घरारी पर ध्यान दियौ। दस साल के अगर लक्ष्य लऽ के चलै चलै छी अहाँ, तो कनी और अहाँ कार फ्रिज ई झूठ फूस पर ध्यान दियौ। आंदोलन एगो छै अहाँ के लंबा सतत चलय वाला प्रक्रिया छै, आंदोलन में अहाँ के 10 साल 20 साल 30 साल के टारगेट लगे चलय पड़त। हमसब एगो बात अनुभव के लिए जखन MRNS में काज के लिए तो देखलिए कि मैथिली में हमसब खाली पर्चा बटे छलिए, अहाँ तो खुदे रहिए लाख लाख गो पर्चा छपे छलिए बांट दै छलिए। तो एगो बात गौर के लिए कि मिथिला में मैथिली के साजिश के तहत सरकार समाप्त कऽ देने छै पठन पाठन में, खास कर लोग बजै छै अखन, बहुत सारा लोग बजै छै, बहुत तो बजनाइयो आब छोड़ देलखिन है, बजे छथिन लेकिन मैथिली भाषा में पढ़ल आ किछ देबे तो समझ नहीं पढ़ पबै छथिन, नहीं समझ पबै छथिन। तो की एहन वर्ग के छोड़ देल जाए, की एहन वर्ग के मिथिला आंदोलन से नहीं जोड़ल जाए? MSU में हम सब यह प्रयोग के लिए कि जे वर्ग अहाँ के मिथिला मैथिली से जे वर्ग के प्रेम छे लेकिन सरकार के साजिश के तहत वो हिंदी बाजे लगले, ओकर तो कोनो गलती नहीं छे,
ओकरा तो भाई हिंदी हमेशा मिलले, हिंदी देखल के, हिंदी पढ़ल के, सब किछ तो हिंदी पढ़ रहल छै, विद्यालय में कोनो मैथिली वैथिली छै नै अहाँके मालूम है। तो सरकार के साजिश के तहत जो हिंदी पढ़ रहल छै ओ युवा के जोड़ल है, हम सब हिंदी के प्रयोग करय लगलिए और हम सब प्रयोग के लिए तो एक दू साल बाद निरीक्षण सेहो के लिए कि प्रयोग से सफलता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम सब एकर परिणाम ही देखलिए अक्षय भाई कि हिंदी बाजा वाला लड़का, तेरे को मेरे को बाजा वाला लड़का सब जे छै अहाँ के मिथिला मैथिली के प्रति प्रेम बढ़ले, ओकरा ओ मैथिली भले ही नहीं लिखे छै लेकिन वो मैथिली में आप बाजा लगले है, ओकरा से अगर अहाँ मैथिली में बात करबे तो अहाँ मैथिली में प्रेम से बात करत, पहले वहां के टेरबो नहीं करे छलै मैथिली के, वो तेरे को मेरे को बाजा वाला बच्चा अब अहाँ के मैथिली में बात करे लगले है, मैथिली में भाषण देवे लगले है, मैथिली में हमर सबके हरेक कार्यकर्ता 99% कार्यकर्ता भाषण सुन के मैथिली में बजे छै, भले ही लिखे हिंदी में छै लेकिन बजे छै मैथिली में। तो भाषा के जे छै से अहाँ के जब तक भाषा के अगर अहाँ विकास चाहे छी खास कर मैथिली भाषा के, तो शासन जब तक अहाँ के हाथ में नहीं आयत, सत्ता जब तक हाथ में नहीं आयत तब तक भाषा के विकास हमरा जे लगे या नहीं हैत। हम सब तो देखने, हम सब पढ़ने छी कि भाई शासन के बदौलत हिब्रू एहन भाषा जे विलुप्त भ गेल रहे वो अहाँ के इजराइल के लोग सब जिंदा कर दिलकै, हमर मैथिली विलुप्तो अगर भ जायत और अगर मिथिला मैथिलीवादी लोग के सरकार बनि गेल है, हमर राज्य बनि गेल, तो हम सब मैथिली भाषा जिया देबै, घर घर में पहुँचा देबै, के बना देबे, रोजगार के भाषा बना देबे। और अखन अगर खाली मैथिली करते रहे तो बहुत बड़का वर्ग लग हम सब नहीं पहुंच पेब, और मिथिला में जो बड़का वर्ग छे युवा के वो हिंदी के प्रति आकर्षित हो गए सरकारी साजिश के तहत। और ई समझ पड़ते मिथिला आंदोलन के जे अहाँ के नहीं बुझे छथिन, हम सब कोनो मैथिली प्रेमी नहीं छे, हमरा अहाँ देखे छी हिंदी में बजे, हमर लाइव देखो हर चीज अहाँ लिखे छी हिंदी में, अब हमरा अहाँ देखने हेबे पिछला समय में अमारनस में रही तो मारि कर लिये जे हिंदी बजे छलै ओकरा से मारि कर लै छलै, सत्तू वाला से मारि कर लै छलै, अरे हिंदी बजबी दरभंगा मधुबनी में, लेकिन बुझ गेलिए कि कट्टरता से काज नहीं चल रहा, हमारा मारि तो सरकार तो करे के छै, अपन नौजवान से थोड़ी हमरा मारि करे के छै। हम सब तो कहिए एमआरएनएस में जखन करे छलिए काज रहे छलिए तो कि जे नहीं बाजा मैथिली, मैथिल भ कर मैथिली मन हो या कान पकड़ कर ऐठ ली झगड़ा कर लै छलिए, लेकिन अपन लोग से झगड़ा करो से नीक, अब सरकार से झगड़ा करो में हम सब एनर्जी लगा रहे छे, और सरकार पर जहिया विजय प्राप्त कर लेबे तहिया मैथिली के भाषा बना देल जेते, मिथिला के प्रति प्रेम तो छैहे लड़का सब में। इहो अहाँ के जे तर्क है से सही तर्क है किछ हद तक, लेकिन जखन अहाँ कहि रहल छी जे हम सरकार से लड़बै, सरकार से फरियाल जेते मिथिलावादी पार्टी या फिर हाँ मिथिलेवादी पार्टी, तो मिथिलावादी पार्टी से संबंधित एकटा क्वेश्चन सेहो हमरा अभरल छलै जे मिथिलावादी पार्टी के जे ग्राफ छै से डाउनफॉल में जा रहल छै, कारण अहाँसँ पहिले लोग विधानसभा लड़ै छी, आब अहाँसँ पंचायत चुनाव पर आबि रहल छियै, अहाँ सबके की कहै छै जे स्टूडेंट यूनियन वाला चुनाव में सेहो कोनो बड़का सफलता नहि भेटल छलै, तऽ एकरा अनुप केना देखै छथि? देखियौ स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में हमरा सबके बहुत पैघ सफलता मिलल छलै, हम सब चाहितौ तऽ अलायंस कऽ कऽ हम सब पैनल में आबि जैतौ, हम तो अलायंस नहीं के लिए तय पैनल में नहीं एलिए। और जहां तक मिथिलावादी पार्टी के बात छै तो हमर जतेक भी एमएससी के युवा छथिन 99% मिथिलावादी पार्टी से नहीं जुड़ पेलखिन और नहीं जुड़लखिन, एगो प्रयोग छलै कि युवा प्रयोग शुरू केलखिन, लेकिन एमएससीयू के 99% कैडर, एमएससीयू के 99.99% लीडर ओ मिथिलावादी पार्टी एखनो ज्वाइन नहीं केने छथिन और ओहिमे नहीं जुड़ल छथिन, तैं मिथिलावादी पार्टी के सफलता असफलता एमएससीयू के सफलता असफलता नहीं छै। एमएसयू के लोग सब अखनो हमर जब सबके नौजवान छै अखनो हुनका सबके पॉलिटिकल में खुल के नहीं एलखिन है, और हमरा सबके उम्मीद है कि 2025 या 24 में अगर हम सब खुल के आबि सकै छी, एमएसयू के कोनो भी शीर्ष लीडर लीडरशिप बताओ जे मिथिलावादी पार्टी में छथिन नहीं आबि पेलखिन, अपना आपके ओ तैयार हम सब नहीं कऽ पेलिए कि हम सब चुनाव लड़ योग्य भ गेल छिए, लेकिन उम्मीद है कि हम सब 24-25 में एबै। मुखिया चुनाव तो अहाँ के अगर विधानसभा जाए के विधायक बनाबे के तो ग्राउंड लेवल पर मजबूत हुआ पड़त, तो मुखिया चुनाव अगर हमर कैडर लड़ रहल छै तो निक बात छै, खराब बात नहीं छै, और हम सब उम्मीद है हमर सबके जे जमीन पर हम सब मजबूत हेबै विधानसभा सेहो लड़बै। समय बहुत भ गेलै, लगभग 1 घंटा 3 मिनट से हम सब जुड़ल छी, अंत में एकदम अंत में हम बिरबल जी से एकटा क्वेश्चन लेबाक प्रयास करै छी। बिरबल जी आवाज आबि रहल है? आवाज आबि रहल है? हेलो हेलो हाँ, अहाँ से हम ई जानना चाहब बिरबल जी
मिथिला राज के लिए जन जन मिथिलांचल मोर्चा आवाज नहीं आ रहा है। बिरबल जी अपने सही जाना चाहब जे मिथिला राज के लेल जे जन मिथिलांचल मोर्चा अहाँ सबके तकर अगला स्टेप की हेते अगला डेग की छे अहाँ सब मिथिला राज के तरफ कोन तरह आगा के डेग उठा रहल छे। बिरबल जी अनम्यूट करू अनम्यूट करू। बिरबल जी जब सुन रहा छी तो अनम्यूट करू कृपया। उमड़े से कहियो उमड़े से कहियो। हाँ कहियो भगन भगन कहियो। लगे बिरबल जी से संपर्क बहुत शीघ्र दोस्तों के जुड़ू बहुत जल्दी मुहिम चालू करो मुहिम चालू करो पूरा मिथिला में चल जा मिथिला में चल जा मुहिम चालू करो हमरा आज बहुत कंबिनेशन में चल रहा है नेक्स्ट टीम को जुड़ पा रहा हूँ बिरबल जी के संपर्क जे हम राजेश भैया से अंत में राजेश भैया से जाना चाहब जे मिथिला राज लेल कोन तरह आगे आगा डेग बढ़ाल जाए। राजेश भैया हाँ देखो कौन तरह डेग बढ़ाल जाए हम जब भी कतौ अगर तो आदमी एक्टिव छी या जिनका मन में ये बात है जे मिथिला आंदोलन कनी आगू बढ़े मिथिला राज्य आंदोलन तो जत से छी ओत एक दोसर से कनेक्ट होय के प्रयास करू एक दोसर से कनेक्ट होय के प्रयास करू किएक तो एक दोसर के ज्यादा रह कनेक्ट नहीं है तो असगर असगर भ सके या हम अहाँ कोनो भी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सके छी लेकिन अगर एक संगे अगर जुड़ जेबे तो भ सके या एको प्रभाव बहुत बेसी हेते जेना अगर अपना सब के मेंटालिटी के जे लोग के मिथिलावादी मेंटालिटी के लोग ओ जहिया जीत क चुनाव जीत क ई भारत छे एता इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होय छे जाधर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमर अहां के विचारधारा के लोक नहीं आयत या कुछ नहीं भ सकिए त प्रयास ही कैल जाए जे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू केना हमर अहां के आदमी जीत क विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाए तो निश्चित अहां बुझू अगर ओ दिन जहिया आबि गेल जे हमरा अहां से जीत क लोक ओय में चल गेल त मिथिला राज्य की औरो बहुत किछ हासिल कैल जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त पैनलिस्ट के संगे राजेश भैया अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद बिरबल जी हम सब बेसी से बेसी गप सप नहीं कह सकलूँ ते लेल कनेक दुख से हो मन में तथापि अपने सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद जे गोटे देखलूँ तिनका से हो बहुत बहुत धन्यवाद जिनकर सवाल हम नहीं समावेश कलूँ ते लेल क्षमा प्रार्थी छी कारण ततेक तेज में वो कमेंट वाला बक्सा जा रहा छे बहुत रास सवाल आबि रहा छे और सवाल जे छे से लगभग मिथिला स्टूडेंट यूनियन पर केंद्रित सवाल सब छलिए तो मिथिला राज आंदोलन पर हम सब केंद्रित रही मिथिला स्टूडेंट यूनियन पर सेहो केंद्रित भ हम सब कार्यक्रम करवाक प्रयास करब और तई में अहाँ सबके सबटा सवाल के समेटवाक प्रयास करब। अंत में बस एतेक कह दी जे हमर सबके जे पैनलिस्ट छलथि है हमर सबके जे आमंत्रित वक्ता छलथि है ओ जे क्वेश्चन पर जे विचार रखलनि ओ हुनकर अपन निजी विचार छलनि समदिया.com के ऐसा कोनो सरोकार नहीं है समदिया.com बस अपन एंकर अपन संचालक क्वेश्चन के काउंटर करिए समदिया.com कोनो विवाद में नहीं पड़ा चाहिए ओ हुनकर सबके निजी विचार छलनि। बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोग जुड़ल तैयार देखते रही समदिया.com।